गुल्ली बुल्ली ने रात को पिज्जा मंगाया है और ये बहुत खुश है क्योंकि शॉन यहाँ नहीं है। बुल्ली कहता है कि ये तो देखने में बहुत बढ़िया है, मगर इसको हम काटे कैसे। गुल्ली जाके जरा चाकू लेके आओ, शॉन यहाँ कैसे आ गया। ये कहता है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। गुल्ली कहता है कि शॉन तुम तो घर जा चुके थे, ऐसे कैसे आ गए, कहीं तुम जादूगर तो नहीं बन गए हो ना। शॉन कहता है कि तुम लोग मुझसे छिप के कुछ नहीं खा सकते हो, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। इन लोगों ने मिलके सारा पिज्जा खत्म कर दिया, यहाँ पे तो कोई आ रहा है। गुल्ली कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। ये कहता है कि तुम्हारे पास समय है तो ये टिकट लो, इससे तुम्हें हॉट एयर बलून में घूमने को मिलेगा। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। इन लोगों ने इससे टिकट ले ली। गुल्ली कहता है कि ये तो आज ही का टिकट है, दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें रातों रात घूमने जाने का मौका मिल चुका है। शॉन कहता है कि बस थोड़ा सा रुको। हाँ अब ठीक है, अब चलते हैं। ये कौन है जो इन्हें छिप के देख रहा है। तीनों सिर्फ 10 मिनट में ही चल के हॉट एयर बलून के पास आ गए, मगर यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। गुल्ली कहता है कि भाई साहब ये हॉट एयर बलून वाला कहाँ हो, हम तो टिकट लेके आए हैं यहाँ। शॉन कहता है कि वो देखो कोई आया। गुल्ली कहता है कि हमने तुमको कहीं देखा है क्या, और तुमने चेहरा क्यों छिपा रखा है। ये कहता है कि ये तो मेरा स्टाइल है, ये सब छोड़ो जल्दी इसमें बैठो, ऊपर से देखने पे ढेर सारे जानवर दिखेंगे नीचे। ये सभी बैलून में बैठ गए। शॉन कहता है कि जल्दी ऊपर ले जाओ हमें, बहुत मजा आएगा। गुल्ली कहता है कि वो देखो शॉन, वो कोई पिल्लू है क्या। शॉन कहता है कि अरे हाँ, वो तो बिल्कुल सेम टू सेम बुल्ली जैसा दिख रहा है। ये कहता है कि अब आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें बढ़िया जगह लेके जाने वाला हूँ। बुल्ली कहता है कि ठीक है, तब तक मैं थोड़ा बैठ के आराम करता हूँ, तुम दोनों को कोई मेरे जैसा शेर दिखता है तो मुझे फौरन बताना। ये इन लोगों को बिल्कुल ही अलग जगह पे ले आया। शॉन कहता है कि वैसे इस जगह का नाम क्या है। इसने अपना मास्क निकाल दिया, ये तो इविल नन है। ये तीनों इसको देख के बहुत डर गए हैं, अचानक से ये तो गायब हो गई। गुल्ली कहता है कि ये क्या था, और क्या तब से इविल नन हमारे साथ ही थी। बुल्ली कहता है कि उसको छोड़ो, हम इसको चलाएं कैसे, ऐसे तो हम नीचे टकरा जाएंगे। ये धीरे धीरे जमीन की ओर ही आ रहे हैं, तीनों सही सलामत हैं। बुल्ली कहता है कि हम कौन सी जगह पे आ गिरे हैं, तुम दोनों को कुछ हुआ तो नहीं है ना। शॉन कहता है कि मेरे पैरों में मोच आ गई। गुल्ली कहता है कि वो देखो सामने एक छोटा सा घर है, हम वहाँ पे रुक सकते हैं। ये लोग शॉन के साथ में इस घर की ओर जा रहे हैं। इविल नन तो इन लोगों पे अभी भी नजर रखे हुए है। ये घर पूरी तरह खाली है। बुल्ली कहता है कि शॉन तुम यहीं रुक के आराम करो, मैं किसी को फोन करके मदद बुलाता हूँ। गुल्ली शॉन के पास में ही बैठ गया। बुल्ली भी फोन करने के लिए बाहर आ चुका है। ये सामने तो कोई इसको छिपके देख रहा है। ये कहता है कि तुम कौन हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो क्या, हमें तुम्हारी मदद चाहिए यहाँ। गुल्ली भी बाहर आ गया। ये कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, तुमने किसी को देखा क्या। बुल्ली कहता है कि वहाँ पे कोई छिपा हुआ है, आओ जरा देखते हैं कि वो कौन है। इनके पीछे तो इविल नन आ गई। बुल्ली कहता है कि जल्दी भागो गुल्ली इधर से, ये सब हमें फंसाने का जाल था, इनके पीछे तो मम्मी खड़ी है। शॉन ये चीखने की आवाज सुन के जग गया। ये कहता है कि गुल्ली बुल्ली तुम लोग कहाँ हो। कोई जवाब ना मिलने पे बाहर आ रहा है। शॉन अचानक से सोच के डर गया कि कहीं वो चीखने की आवाज उन दोनों की ही तो नहीं थी। ये दोनों को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा है। तभी इसने ध्यान दिया कि इस बैलून के पास खून गिरा हुआ है। अरे गुल्ली बुल्ली को तो यहीं पे होना चाहिए था, ये तो इनकी लाश है। शॉन इतना ज्यादा डर चुका है कि इसकी आवाज भी नहीं निकल रही है। मम्मी और इविल नन इसके पीछे आ चुकी हैं। दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में, क्या शॉन खुद को इन दोनों से बचा पाएगा, और क्या सच में गुल्ली बुल्ली अब मारे जा चुके हैं, ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।